के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, राज्यपाल से मिलकर के इस्तीफा सौंपा गया है, राज्यपाल को इस्तीफा दिया गया है सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया राज्यपाल से मिलकर के, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा गया है सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। तो यह बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जब एक बार सीएम का काफिला राजभवन पहुंचता है और अब खबर यह सामने आई कि राज्यपाल से मिलकर के सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा है और शाम 4 बजे शपथ ग्रहण हो सकती है। फिलहाल नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। तो जहां सबसे पहले आरजेडी से अलग होती है जेडीयू, इसके बाद बैठक होती है, बैठक के बाद सीएम आवास से निकल करके वो राजभवन पहुंचते हैं। और अब अपडेट ये कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगी। तो शाम 4 बजे का वो समय जब शपथ ग्रहण कर सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। फिलहाल अपडेट ये कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राजभवन सीएम आवास से निकल करके राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर के इस्तीफा सौंपा है। सरकार बनाने का जो दावा उन्होंने पेश किया है उसको लेकर उनका क्या कहना है, तो इस बारे में भी हम बात करने की कोशिश करेंगे सीएम से। हालांकि सीएम मीडिया के सवालों से बचते हुए निकल गए, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उनसे इस बारे में सवाल पूछा जाए। हम बस किसी भी वक्त इस दरवाजे से सीएम आने वाले हैं और अब इस्तीफा सौंप दिया है नीतीश कुमार ने राज्यपाल।